मेरा नाम बद्रेश किरार है और मैं आपके बीच सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का की प्रेजेंटेशन देकर प्रस्तुत करूँ। आकाशगंगा, ये आकाशगंगा है। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। सभी आकाशगंगाओं को 3 के समूह में बांटा गया है, जिसे क्लस्टर कहते हैं। अपनी आकाशगंगा जिस समूह में है उसे सुपर क्लस्टर कहते हैं। मंदाकिनी है। अपन जिस आकाशगंगा में है उस आकाशगंगा में मंदाकिनी कहते हैं। हमारे पड़ोसी आकाशगंगा का नाम देवयानी है। मंदाकिनी में भी सौ अरब तारे हैं। यहाँ पे अपना सोलर सिस्टम, अपना सौर मंडल भी इसी मंदाकिनी में है। सौर मंडल सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों को सौर मंडल कहते हैं। अपने सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, पर्वत। सूर्य एक बहुत बड़ा तारा है। उसके चारों ओर 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर 25 करोड़ साल में लगाता है, जिसे कॉपरनिकस कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य तत्व 2.5% होते हैं। यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है। सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है। इसके बाद कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है में चुंबकीय क्षेत्र का होना है। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है। शुक्र, यह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत चक्कर लगाता है। इसके बाद भी कोई उपग्रह नहीं है। सांझ का तारा शुक्र ग्रह, भोर का तारा शुक्र ग्रह, सौर मंडल की रानी शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, तरंग ग्रह शुक्र ग्रह, प्रेशर कुकर वाला ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी की ध्रुवा ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी की अग्नि शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जल जैसा दिखने वाला ग्रह शुक्र ग्रह। यह आपकी पृथ्वी। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1:56.4 में एक चक्कर लगाता है। यह सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। मंगल इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह भी पृथ्वी के समान एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करता है। इसके 2 ग्रह हैं फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा से 87 दिन में पूरी करता है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटे सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगता है। सबसे अधिक उपग्रह इसी ग्रह। सबसे बड़े उपग्रह का नाम गैनीमेड है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में नीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसका घनत्व सभी ग्रहों के ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी कि जल में रहने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। अरुण, यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 215 डिग्री सेल्सियस है। यह आकार में यह अपनी अक्षर पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। यह अपनी दूरी पर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। वरुण यह सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी ये हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके उपग्रहों में टाइटन सबसे प्रमुख।
इसके अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है।